पुणे का बहुचर्चित फोन टैपिंग मामला अब तिल पकड़ता जा रहा है। फोन टैपिंग के कारण व्यथित कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महासंचालक रश्मि शुक्ला के खिलाफ नागपुर के वरिष्ठ स्तरीय दीवानी न्यायालय में लगभग 500 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा दाखिल किया है। इस मामले में न्यायालय ने बुधवार को शुक्ला सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर आगामी 12 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। फोन टैपिंग का गैरकानूनी कार्य वर्ष 2017-18 में किए जाने का आरोप है। उस समय रश्मि शुक्ला पुणे की पुलिस आयुक्त थी। इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की गई और जाँच समिति की रिपोर्ट के अनुसार पुणे की अपराध शाखा ने शिकायत दर्ज कराई है। विधानसभा आणि चौकशीच्या माध्यमातून आम्ही निश्चितपणे कारवाई करतो। सरकारने सगळी चौकशी केली आणि त्यावेळेच्या पुणे कमिशनरच्या आयपीएस अधिकारी कमिशनर रश्मी शुक्ला ह्या त्याच्यामध्ये दोषी आढळला आणि म्हणून त्यांच्या विरोधात आजच आम्ही दावा ठोकलेला आहे। जवळपास तो दावा आमचा 500 कोटीचा आहे आणि या पद्धतीचं कोणाच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये जाऊन त्याला त्रास देणं, त्याला ब्लॅकमेल करणं ही जी पद्धत होती ही पद्धत बंद व्हावी हा त्याच्यामधला उद्देश आहे। आणि दुसरा महत्त्वाचा उद्देश आहे की या सगळ्या षडयंत्राच्या मागं अजून कोण कोण आहेत ही स्पष्टता पुढे यावी हा त्याच्यामागचा उद्देश। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।